क्लास माइसेल्फ सर मनीष स्वागत और अभिनंदन आप सभी का टीटीपब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल मंच पर। जैसा कि आप सभी को पता है अभी इस COVID-19 सिचुएशन की वजह से आपके लिए विद्यालय परिवार ने ऑनलाइन क्लासेस अरेंज की हुई है। उसमें यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को हर सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। आशा कर रहे हैं कि आप सभी वीडियो लेक्चर से अपने स्टडी को कंटिन्यू रखे हुए होंगे और आप लोगों के व्यूज लाइक्स हमें ये बता रहे हैं कि आप बहुत बढ़ चढ़ करके उसके अंदर भागीदारी ले रहे हैं। तो आज हम लोग चल रहे हैं हमारे SST के चैप्टर सेकंड फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी के पार्ट टू की तरफ और इसके अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल और हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। हम लोगों ने हमारे लास्ट पार्ट के अंदर देख लिया था कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स इंडिया आते हैं 1600 के अंदर, उन लोगों को ब्रिटेन से क्वीन जो है वो चार्टर दे देती है एंड देन उसके बाद में वो इंडिया आते हैं, इंडिया आकर के वो लोग फोर्टिफिकेशन कर देते हैं। अभी उसी के अंदर हम लोग देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के अंदर किस प्रकार की ट्रेड शुरू करती है। इन 1651 1651 के अंदर द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप। याद रखिएगा 1651 के अंदर बंगाल में फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप होती है। इट वॉज द बेस फ्रॉम विच द कंपनी ट्रेडर्स नोन एज फैक्टर ऑपरेटेड। ये बेस था उन लोगों का जहां से उन लोगों को फैक्टर ऑपरेटेड माना जाता था, यानी वहां से उन लोगों को जो भी रॉ मटेरियल्स हैं उनको बाय करना है, बाय करने के बाद में उसको अपने पास में रखना है देन उसको फॉरेन भेजना है। इन द वेयर हाउस ऑफ द फैक्ट्री गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड। और उनका एक वेयर हाउस था जहां पर वो लोग वो सारे कच्चे सामान को रखते थे, जहां पर वहां से इकट्ठा करके उसको थ्रू शिप्स वो लोग फॉरेन भेजते थे। द कंपनी बाय 1696 बिल्ट अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। और मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर भी कि कंपनी का बेस था फोर्टिफिकेशन करना। इन लोग फोर्टिफिकेशन कर रहे थे कहां पर? अपने सेटलमेंट्स के नजदीक, जहां उनका सेटलमेंट है उसके नजदीक किला बना दीजिए ताकि वहां पर आर्मी रह सके और एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट बनकर के वो किंग के सामने, नवाब के सामने खड़े हो सके। तो उन्होंने वो भी वहां पर 1696 में किया। द कंपनी कंटिन्यूअसली ट्राइड टू प्रेस फॉर मोर कंसेशन एंड मैनिपुलेट एक्साइटिंग प्रिविलेजेस। यानी कंपनी जो है वो बंगाल पे और नवाब पर इतना प्रेशर बना रही थी कि उनको बहुत सारे छूट दी जाए, बहुत सारी प्रिविलेज दी जाए जिससे वो लोग यहाँ पर स्थायित्व जो है वो हासिल कर सके। लेकिन ये जो चीजें थी जो कंपनी इस प्रकार से कर रही थी, इसको नवाब बड़े अच्छी रीति से समझ रहे थे कि ये आगे जाकर के जो है वो बंगाल के लिए और स्पेशली इंडिया के लिए ये अच्छा नहीं होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के अंदर जो है वो किस प्रकार अपने ट्रेड को शुरू किया। और ये सबसे बड़ा इसमें एक मुख्य पॉइंट है वो है बंगाल के अंदर शुरू करने के लिए उनको एक फरमान जारी किया गया था और वो फरमान एक अधिकार पत्र था जिसके अंतर्गत वो इंडिया के किसी भी कोने के अंदर जाकर के व्यापार कर सकते थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को चुना क्योंकि बंगाल उस समय का सबसे ज्यादा फेमस आर्ट का केंद्र था, सबसे ज्यादा कॉटन की और जो भी आर्ट के काम है वो बंगाल के अंदर होते थे। दैट इज व्हाई दे जस्ट वांट टू डिस्ट्रॉय द बंगाल एंड देयर इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ। सो नाउ अब अपन देखते हैं हाउ ट्रेड लेड टू द बैटल्स, यानी ये ट्रेड के नाम पर आगे जाकर के युद्ध कैसे शुरू होते हैं। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब्स ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड। अब ये कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच के अंदर जो ये इस प्रकार का तनाव था, ये तनाव आगे जाकर के एक दिन युद्ध का रूप लेगा ये दिखाई देने लग गया था। द बंगाल नवाब्स रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशंस, डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड, डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन्स एंड स्टॉप्ड इट फ्रॉम एक्सपेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशंस। क्या कारण थे जिसकी वजह से कंपनी इतनी नाराज थी? बंगाल के नवाब ने मना कर दिया कि किसी प्रकार का कोई कंसेशन कंपनी को नहीं दिया जाएगा, उनकी जो डिमांड है लार्ज ट्रिब्यूट करने की वो भी नहीं होगा, कंपनी जो चाह रही थी कि हम ट्रेड के लिए और ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले वो भी नहीं होगा, साथ ही साथ जो मिंट कॉइन्स यहाँ पे छपते हैं
वो चाह रहे थे कि हम लोग हमारे यहाँ कौन छापे, उसके अंदर भी नवाब ने कहा कि नहीं ये राइट आपके पास में नहीं रहेगा, आप अपनी करेंसी से ही व्यापार कीजिए। एंड फोर्टिफिकेशंस के ऊपर रोक लगा दी, किलेबंदी बिल्कुल नहीं होगी, यानी नया किला बनाने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि उनको यहाँ पर लग चुका था नवाब को कि ये किलेबंदी आगे जाकर के हमें आर्थिक और मानसिक रूप से पूरी तरीके से कमजोर कर देंगे। दे ऑल्सो क्लेम्ड दैट द कंपनी वॉज डिप्राइविंग बंगाल गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ द नवाब। और यहां पर एक पॉइंट समझाने की कोशिश की गई कि कंपनी को बहुत बड़ा जो रेवेन्यू का लॉस वो उठाना पड़ रहा है नवाब की उपस्थिति के अंदर, और ये कंपनी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक तरफ नवाब का कंपनी के प्रति सोचना, दूसरी तरफ कंपनी का नवाब के प्रति सोचना, और ये दोनों चीजें जो है वो आगे जाकर के एक बहुत बड़े बैटल का, जो फेमस बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, उसके बीज यहाँ पर जो है वो दिए गए थे। और जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा बैटल ऑफ प्लासी, फेमस बैटल ऑफ प्लासी, उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से कंपनी और नवाब के बीच में युद्ध होता है और उसका परिणाम क्या रहता है। आज हमने दो पॉइंट देखे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार से ट्रेड शुरू करती है बंगाल में, और ट्रेड जो है वो आगे जाकर के किस तरीके से युद्ध का रूप जो है इन दोनों के बीच में ले लेता है। तो आशा करता हूं मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। मिलते हैं अपन अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।